हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बॉश वॉशिंग मशीन का डेमो रिव्यू और कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस आपसे करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वॉशिंग मशीन दिखा देती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको पूरा इसका डेमो दिखा दे रही हूँ कि ये वॉशिंग मशीन कैसा है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसके सारे पार्ट्स कैसे हैं। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, ये मेरा वॉशिंग मशीन है, आप देख सकते हैं। इसका जो सीरीज़ है वो 6 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसका जो मॉडल नंबर है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसका मॉडल नंबर है WAT24463IN। तो इसका मॉडल नंबर है ये। हमने 2020 में परचेज़ किया था, अक्टूबर में, जो फ्लिपकार्ट का जो बहुत बड़ा सेल आया था उसी में हमने परचेज़ किया था। आफ्टर डिस्काउंट 28,000 का हमें ये पड़ा था। तो इस वॉशिंग मशीन में मैं आपको पूरा डिटो दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर मुझे 15 टाइप्स ऑफ वॉश यहाँ पर मिला है। इसका जो डिटर्जेंट ट्रे है वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा डिटर्जेंट ट्रे भी यहाँ पे इसके साथ मिला है। इसमें 3 कंपार्टमेंट है कि नॉर्मल वॉश के लिए किसमें डालना है, डर्टी क्लोथ्स के लिए किसमें डालना है, एक्स्ट्रा डालना है तो वो किसमें सेंटर में डालेंगे। तो यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट के साथ बहुत ही बड़े साइज में आपको डिटर्जेंट ट्रे भी मिल जाता है, और इजिली ये निकल भी जाता है कि आप इसको इजिली क्लीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका टच पैनल है। तो मैं एक ऐसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इसका टच पैनल भी बहुत अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे टेम्परेचर आरपीएम है, तो ये 1200 आरपीएम है, तो ये एडजस्टेबल है। अगर मुझे 800 करना है, 1000 करना है, 1200 करना है, तो एडजस्टेबल है, उसे मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे इसका टच पैनल भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें अभी तक मुझे 1 साल होने को जा रहा है, तो अभी तक मुझे कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आई है। इसमें वाटर प्लस का भी ऑप्शन देता है, प्री वॉश का भी ऑप्शन है, स्पीड इको का भी ऑप्शन है कि 15-30 सेकंड में भी हम इजिली जल्दी में इसको वॉश करके हम इस वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये टच पैनल है, यहाँ पे सारे फंक्शंस दिए हैं, आप देख सकते हैं। इधर डिटर्जेंट ट्रे का वो है, ड्रॉर है, और चलिए मैं अंदर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे डोर है, डोर का लॉक भी बहुत अच्छा है, जल्दी खुलता नहीं है ये। इसका ग्लास बहुत सॉलिड है, और इसमें हम मतलब बाहर से जब मशीन अंदर से चल रहा होता है तो भी हम इजीली अंदर देख सकते हैं कि कपड़े कैसे धुल रहे हैं, पोजीशन क्या है, पानी कितना है, ज़्यादा झाग तो नहीं हुआ है डिटर्जेंट से, वो सारी चीज़ें हम बहुत ईजिली तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका ड्रम मैं दिखा दे रही हूँ। ये 8 kg इसका ड्रम का साइज है, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ, 8 kg इसका साइज है ड्रम का। एक तरह से ये वेरियो ड्रम है जिसमें कि कपड़े बहुत सॉफ्टली वॉश होते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा अंदर आपको दिखा दे रही हूँ कैसा है। तो आपने ड्रम देख लिया होगा, यहाँ पे रबड़ पार्ट है, तो ये रबड़ भी बहुत सॉलिड है, हल्का बिल्कुल नहीं है, स्पेस काफी अच्छी है। तो यहाँ पे आपने ड्रम तो देख ही लिया है, तो चलिए इसको मैं डोर को लॉक कर दे रही हूँ। लॉक सिस्टम इसका बहुत अच्छा है, तुरंत नहीं खुलता है, बहुत अच्छे से लॉक भी हो जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे टच पैनल है, टच पैनल के बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ, बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें मुझे अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है, एक बार बस प्रेस करने पर तुरंत काम करने लगता है। इसका टच पैनल का वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा है। यहाँ से मैं टेम्परेचर भी सेट कर सकती हूँ, आरपीएम भी एडजस्टेबल है। 1200 का ये आरपीएम वाला वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ पे एडजस्टेबल है। मैं चाहूँ तो आरपीएम 1200 से 1800 भी कर सकती हूँ। रेडी इन मैं टाइमर लगा के भी इसमें कपड़े धो सकती हूँ। स्पीड इको का भी ऑप्शन इसमें बहुत अच्छा मिल जाता है। वाटर प्लस इसमें फंक्शन है, और वाटर सेंसर का भी इसमें फंक्शन है। वाटर लेवल सेंसर भी इसमें है कि इसमें वाटर इंडिकेट करता है, अगर आपका वाटर प्रेशर अगर कम है तो वो भी इंडिकेट यहाँ पे करने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें। इसमें आपको इको साइलेंट ड्राइव मिलता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा आवाज भी नहीं आती है, इसका भी मैंने आपको वीडियो बना के डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लो वाटर प्रेशर भी अगर होगा तो उसके बारे में भी ये आपको इंडिकेट करेगा। चाइल्ड लॉक का भी इसमें बहुत अच्छा फंक्शन दिया हुआ है, प्री वॉश का भी इसमें फंक्शन है, पाइप वाटर फिल्टर भी इसमें आपको मिलता है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इस वॉशिंग मशीन में टंबल वॉश होता है जो कि कपड़ों को बहुत अच्छे से वॉश करता है। और यहाँ पे जो 15 टाइप्स ऑफ वॉश है इसमें सारी कैटेगरी आ जाती है, आपको इसके लिए अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा यहाँ पे कैटेगरी भी डिवाइड है। इसमें ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है टेम्पलेट कि आपको कैसे कैसे यूज़ करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या आपको इंस्टॉलेशन के टाइप करना है, कौन से वॉश में क्या दिक्कत अगर आ रही तो उसके लिए आपको क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये चिपका हुआ है। आपको इसके अलग से बुक भी बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी इसकी बहुत सॉलिड है, आप देख सकते हैं। साइज़ जो है वॉशिंग मशीन का काफ़ी अच्छी है, और इस वॉशिंग मशीन के साथ हमें अलग से वाटर फिल्टर के लिए एक टैप है छोटा सा, वो हमें अलग से खरीदना भी नहीं पड़ा, वो हमें इस वॉशिंग मशीन के साथ ही मिला है, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इतना पोर्शन, ये हमने खरीदा नहीं है, ये इस वॉशिंग मशीन के साथ ही मिला है। तो ये देखिए, हमने फिट करवाया हुआ है,
और इसमें एक और अच्छी बात ये है कि ये लो एनर्जी यूज है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम यूज होती है। इस वॉशिंग मशीन का जो वेट है 72 kg है, थोड़ा हैवी है, तो ये 2 लोगों से नहीं उठेगा, 3 लोग तो इसको उठाने के लिए चाहिए। अगर आप खरीद रहे हैं तो आपके घर तक पहुंचाने के लिए कम से कम 2-3 लोग तो लगेंगे ही। इसका टच पैड भी बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ टच है इसका, स्पिन रिंच का भी इसका अलग से फंक्शन इसमें दिया हुआ है, क्विक वॉश का भी 15 से 30 सेकंड वाला इसमें अलग से फंक्शन दिया है। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें हॉट वॉश का भी ऑप्शन है, वो भी टेम्परेचर एडजस्टेबल है। आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर लिखा है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 40, 30, 20 और ठंडे पानी का भी नॉर्मल टेम्परेचर भी यहाँ पे दिया हुआ है। जिस भी टेम्परेचर में आप कपड़े धोना चाहते हैं, कपड़ों के फैब्रिक के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेट करके इजिली धो सकते हैं। तो ये था ये ओवरऑल बॉडी के बारे में। तो चलिए अब मैं और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ये वॉशिंग मशीन ओवरऑल बहुत अच्छा है, मुझे अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, आपने वॉशिंग मशीन के पूरी बॉडी मैंने आपको दिखा दिया है, सारे इसके जो भी इसके साथ मिला था वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो वॉशिंग मशीन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोगों की क्वेरी आती है मॉडल नंबर्स को लेके, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मॉडल नंबर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मॉडल नंबर से ये नहीं होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स है या बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें आपको मिल रही है। मॉडल सिर्फ मेंशन करता है कि कौन से ईयर का है, कौन से स्टॉक का है और कौन से टाइम से बनाया गया है। मॉडल नंबर्स में भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मॉडल नंबर से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि उसमें हमें कौन से वॉशेस के फंक्शंस मिल रहे हैं। 15 वॉशेस मुझे इस मॉडल में भी मिला है। अगर मैं J2 वाला लेती हूँ तो उसमें भी मुझे 15 वॉश ही मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसे इस मेरे इसमें किड्स वेयर का ऑप्शन नहीं है, उसमें किड्स वेयर का ऑप्शन है और उसमें फ्रेशन अप का भी ऑप्शन है। तो ये अलग अलग तरह के टाइप्स को बस वो लोग चेंज करके मॉडिफाई करते रहते हैं ईयर टू ईयर। तो इसमें आपको मॉडल नंबर्स पे ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं कि आपको ध्यान किन बातों पे देना है। तो आपको ध्यान देना है आरपीएम, क्योंकि जैसे 1200 आरपीएम लेना है कि 1400 आरपीएम लेना है। 1400 आरपीएम अगर आप लेते हैं तो वो क्लोथ को 95% तक ड्राई कर देता है। 1200 आरपीएम में वो कपड़ों को 85% तक ड्राई करता है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां बहुत बारिश होती है या धूप आपके घर पे बहुत कम आती है, आपके पास ज़्यादा कपड़े सुखाने के लिए घर पे जगह नहीं है, तो आप 1400 वाला आरपीएम का वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर पूरा हवादार है, धूप आती है और गर्मी वाले एरिए में आपका घर है, तो आप 1200 का भी आरपीएम लेंगे तो आपके लिए अच्छा काम करेगा वो। दूसरी बात हमें ध्यान ये देना है कि आपको ड्रम का साइज क्या लेना है। 8 kg लेना है, 10 kg लेना है, 6 kg लेना है, 12 kg लेना है, वो आप अपने मेंबर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये मेरा 8 kg तक का है और इसमें लिखा हुआ था ग्रेट फॉर द 4 मेंबर्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी फैमिली न्यूक्लियर है तो आप 8 kg तक, 6 kg भी ले सकते हैं, क्योंकि कपड़े अगर ज़्यादा है तो हम कई स्लॉट्स में भी उसे धो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें इकट्ठे धोने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली में अगर आप रह रहे हैं तो आप वहाँ पे 10 kg लीजिए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा के अलावा सब लोग अलग अलग स्लॉट में कपड़े धोते हैं, तो उसके लिए आप 10 kg तक परचेस कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखना है कि वॉशिंग मशीन का जो साउंड है वो कैसा है। तो यहाँ पे पहले ही ऊपर भी लिखा हुआ है इको साइलेंट ड्राइव है, इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है। बहुत ज़्यादा आवाज़ तब आएगी, जैसे 8 kg का है तो मैंने यहाँ पे 4 kg, 3 kg, 2 kg तक कपड़े डाले हैं। क्लोथ्स का वेट ये लेता है, तो मैं अगर 2 ही kg डाल रही हूँ तो जब कपड़े कम होंगे तो वो जब ऊपर से गिरेगा तो आवाज़ तो ज़्यादा आएगी ही। तो कपड़ों की आवाज़, वाइब्रेशन का आवाज़ कैसा है वो चीज़ आपको देख के लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको वॉशिंग मशीन का वॉशिंग मैथड देखना है। बहुत लोगों में जैसे इसमें टम्बल वॉश दिया है, बहुत लोगों में अलग देता है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू और मैंने आपको वॉशिंग मशीन के बारे में भी बता दिया है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पे वॉशिंग मशीन का प्लेलिस्ट में अलग से एक लिस्ट है वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, तो वहां मैंने सारी वीडियोस डाली हुई हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला वॉशिंग मशीन परचेस करना है तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है कि हमने कहां से परचेस किया था, वहां से भी आप जाके डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, मुझे ये वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा लगा है। अभी तक इसका परफॉर्मेंस, मैं भी 9 to 10 months हो गए मुझे इस वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हुए, मुझे अभी तक पर्सनली कोई भी दिक्कत नहीं आई है।
सारे वॉश इसके अच्छे होते हैं, कपड़े भी अच्छे से धुलते हैं, ड्राई भी ये बहुत अच्छे से करता है। और सारे मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, उसमें मैंने बेकायदा पूरा प्रूफ भी दिखाया हुआ है, आप चाहे तो मेरे और वीडियोस भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी वॉशिंग मशीन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।